नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं राघवेंद्र। स्वागत है आप सभी का इन खबर पे। भोजपुरी सिनेमा का झुकाव अब धीरे धीरे राजनीति की तरफ बढ़ रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पिछले समय से जो कुछ डेटा आ रहा है वो कह रहा है। क्योंकि जिस तरीके से मनोज तिवारी राजनीति में आए, उसके बाद सांसद भी बने, उसके बाद रवि किशन भैया, उसके बाद दिनेश लाल यादव निरहुआ भैया, अब भैया जो सबसे बड़ा नाम चर्चा में था पवन सिंह का। पवन सिंह लगातार अन्य प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार में भी जा रहे थे, वहीं मनोज तिवारी के चुनाव प्रचार में गए, वहीं जिस तरीके से दिनेश लाल यादव निरहुआ के चुनाव प्रचार में भी वो जुटे रहे, उसको लेकर भी काफी चर्चाएं तेज थी। अभी कुछ दिन पहले ही वो बीजेपी के दिग्गज नेता नितिन गडकरी से भी मुलाकात किए, जिसके बाद से ये चर्चा तेज हो गई कि क्या लोकसभा चुनाव में चुनावी मैदान में पवन सिंह उतरेंगे। वहीं अब पवन सिंह खुद कह रहे हैं कि वो तैयार हैं चुनाव लड़ने के लिए, बस इंतजार है तो आदेश का। आप सबको बता दूं कि उनके द्वारा एक निजी चैनल से बात करते समय कहा गया कि भैया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो भगवान के रूप में हैं और मैं बीजेपी का एक छोटा कार्यकर्ता हूं, उसी तर्ज पे कार्य कर रहा हूं। अगर मुझे आदेश मिला तो मैं आरा से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं, मुझे सिर्फ और सिर्फ इंतजार है आदेश का। आप सबको बता दूं कि पवन सिंह लगातार पिछले कुछ समय से बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं से लगातार मुलाकात कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है आपको कि आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी आरा से उनको चुनावी मैदान में उतारेगी, क्योंकि पवन सिंह अब चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। भैया भोजपुरी इंडस्ट्री के सिर्फ और सिर्फ एक्टर ही नहीं, एक्ट्रेस भी अब चुनावी मैदान में उतरना चाह रही हैं। जिस तरीके से आइटम क्वीन संभावना सेठ आम आदमी पार्टी में शामिल हुई, तो वहीं सीमा सिंह भी आप सबको बता दूं कि लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान की पार्टी में शामिल हुई। इस तरीके से भोजपुरी सिनेमा का झुकाव अब लगातार चुनावी मैदान की तरफ बढ़ रहा है, अब राजनीति में अपना वर्चस्व बनाना चाहते हैं ये लोग। वहीं आप सबको बता दूं कि जहां तीन भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार पहले से ही राजनीति में है, अब क्या लग रहा है आपको, पवन सिंह का भी नंबर आएगा? पवन सिंह को बीजेपी टिकट देगी क्या? आप सब भी पवन सिंह को चुनाव लड़ते हुए देखना चाहते हैं? आप सब अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। देश दुनिया से जुड़े तमाम खबर को देखने के लिए आप सब जुड़े रहें इन खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।